सलाम अलैकुम, क्या हाल है आप लोगों का? ठीक ठाक है यार। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से जो है वो पर्शियन टी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जैसे कि पता है कि नवरोज़ शुरू हो चुका है। नवरोज़ जो है वो ईरानियन न्यू ईयर है और ये जो है बहार के मौसम, जैसे बहार वहाँ मौसम शुरू होता है तब ये मनाया जाता है। तो मैंने कहा चूंकि नवरोज़ जो है वो शुरू हो गया तो मैं आप लोगों से पर्शियन टी की रेसिपी शेयर करती हूँ। तो पर्शियन टी बनाने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सबसे पहले है कि एक केटल, मग्स और आपकी एक अच्छी किस्म की जो है वो टी हो। तो सबसे पहले हम आपके यहाँ से स्टार्ट करते हैं। टी बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको कैटल चाहिए। मैंने ये कैटल इसलिए ली है, एक तो ये मेरे मग्स के साथ मैच हो रही थी, सेकेंडली मुझे इसी पे इसको जो है वो दम देना है। आप चाहें तो ये वाला भी टी पॉट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और पर्जियन टी सर्व करने के लिए जो है वो ट्रांसपेरेंट मग्स जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि उसमें उसका कलर जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है और खूबसूरत लगता है। तो ये मग्स हैं, ये हमारा टी जो है कैटल है। अब हम आते हैं पत्ती की तरफ। चाय की पत्ती जो है वो एक अच्छी किस्म की आपको यूज़ करेंगे तो एक अच्छी जो है वो चाय बनेगी। मैं जो हूँ यहाँ एम ए टी की सेलोन टी यूज़ कर रही हूँ और ये कुछ इस तरह से जो है वो देखती है। ये ब्लैक टी है, ब्लैक टी हम इसमें यूज़ करते हैं और ये इस तरह से नज़र आती है। आपको नज़दीक से दिखाती हूँ, थोड़े से इसके इस तरह से लूज़ पत्ते हैं, ठीक है। तो हम ये टी यूज़ करें। उसके अलावा जो है इसमें आप एडिशन कर सकते हो, इन सब चीज़ों की नहीं, आप चाहो तो इसमें जैसे मुख्तलिफ़ किस्म की आप चीज़ें डाल सकते हो। आप चाहो तो सिनेमन स्टिक भी आप डाल सकते हैं, चाहे तो आप रोज़ बर्ड्स डाल सकते हैं, मिंट लीव्स डाल सकते हैं, जो है इलायची डाल सकते हैं, उसके अलावा ज़ाफ़रान डाल सकते हैं। तो इनमें से आप कोई चीज़ जो है वो अपनी चाय में आप ऐड कर सकते हैं। वो बनाने का तरीका हम फिर आपको बाद में बताती हूँ मैं। फिर आ जाता है कि हमने इस चाय को सर्व किस तरह से करना है। चाय को जो है वो नॉर्मली आप इसके अंदर आप चीनी नहीं डालते। इस चाय को चूंकि ये जो है दूध के बगैर पी जाती है तो इसको हम अचैन मीठी चीज़ों के साथ उसको सर्व कर सकते हैं, जिसमें जो है वो खजूरें आपका बहुत बेस्ट ऑप्शन है। उसके अलावा आप ये जो है वो सूखे हुए शहतूत भी यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली जो है वो सफ़ेद शहतूत यूज़ होते हैं, मेरे पास नहीं थे इसलिए मैंने जो है ये काले शहतूत जो है ये मैंने रख लिए हैं। और इसके अलावा जो है आप लोग बकलावा भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको पेश करने के लिए। और फिर उसके अलावा जो है ये इस तरह की आप शुगर कैंडीज भी यूज़ कर सकते हैं जो कि चीनी का काम देंगे, जिसमें ये एक नॉर्मल ये सिंपल वाली है और ये ज़ाफ़रान वाली है। सिंपल से आप शुगर क्यूब्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये जो है ये ईरानी स्वीट है, इसको गस कहते हैं, तो ये भी आप इसके साथ जो है वो पेश कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जो है वो कोई बिस्किट्स जो है वो भी आप इसके साथ जो है वो सर्व कर सकते हैं। तो अब चलते हैं बनाने की जानिब। आपने बनाना किस तरह से, चूंकि मैं जो हूँ वो चार मग्स बना रही हूँ, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, तो मैं इसमें तकरीबन जो है 3 टीस्पून जो है वो ये इसकी चाय की पत्ती के लूँगी। उसके अलावा इसमें जो है मैं जो हूँ सब चीज़ें ही थोड़ी थोड़ी डालूंगी, जैसे कि ये है दालचीनी का पीस, मैं इसका एक छोटा सा पीस डालूंगी इतना। उसके अलावा ज़ाफ़रान जो है उसके चंद स्ट्रैंड्स, मिंट लीव्स थोड़ा सा और, ठीक है। अब हमने क्या करना है मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताती हूँ। अब आपने करना ये है कि जो ये मैंने इस केटल में चीज़ें डाली हैं इसमें आपने गर्म पानी जो है डालकर और इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रख देना है। चाहे तो आप उसको टिकोजी में ढककर रख सकते हैं, किसी कपड़े में लपेट कर भी रख सकते हैं और हल्की आंच पे इसको आप दम भी दे सकते हैं। मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूँ कि मैंने इस चाय में अपने लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डाली हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग भी ये सब चीज़ें डालें, कोई सी भी आप एक चीज़ डाल सकते हैं और अगर कुछ भी नहीं है तो सिर्फ चाय की पत्ती भी काफ़ी है। तो अब मैं इसमें गर्म पानी डालती हूँ। इसको अब मैं रख दूंगी थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 10 से 15 मिनट्स के।